तो अपने फार्म पे हूँ और सोचा आप लोगों को आज फार्म के बारे में अपडेट दे दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बाउंड्री कम्प्लीटली हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी गाय। तो आइए बैक कैमरा करते हैं और पूरी जानकारी फार्म के बारे में आज का अपडेट देना चाहूँगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो नए होंगे हमारे फार्म के वीडियो देखने वाले सब्सक्राइबर, उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं जनवरी 25 तारीख से 2021 में इस फार्म पे आया और ये मेरा एरिया है 35x40 का। 40 इसकी चौड़ाई है ये साइड ऐसा और 35 इस साइड में है, जिसमें लगभग 7 या 8 फीट PCC किया गया है और उसके बाद मिट्टी का एरिया किया गया है। तो 40x35 का फार्म है जिसमें मेरे पास 9 बड़ी गाय, 2 छोटे बछिया अभी इस समय उपलब्ध है, जिसमें से आप जो सामने देख पा रहे हैं 3 गाय पीछे की ओर जो देख पा रहे हैं वो तीनों प्रेग्नेंट है। वहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं वो तीनों प्रेग्नेंट है, 1, 2 और 1 देसी वाली। 3 गाय मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफर्म मान गई है और ये जो जिसका नाम हम लोगों ने जहाँ से आया था वहाँ से नाम जिसका मोहन है उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये हीट में आ गई इतना मेहनत कराने के बाद भी, मेहनत कराने मीन्स इतना इलाज करवाने के बाद भी, लेकिन ये हीट में सिर्फ हक कर रही थी, डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर साहब हाथ लगाए तो कंफर्म ये पता चला कि ये हीट में नहीं है, यानी कि उसका मुंह जो है बच्चेदानी का बंद था। तो अब देखते हैं उसको लगभग 1 महीने बाद फिर से हाथ लगवा कर चेक किया जाएगा कि कंफर्म प्रेग्नेंट हुई या नहीं। अब हम बात करेंगे देसी गाय का। देसी गाय को AI करके लगभग 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीना, तो उसका भी हाथ लगवा कर कन्फर्म चेक करना बाकी है। जो आमने सामने देख पा रहे हैं लक्ष्मी, इसका प्रेग्नेंट कन्फर्म हो चुका है। अब और बात करते हैं इस गाय का जिसको हम लोग 2.5 महीना पहले लाए थे, इसमें भी AI हो गया है बट डिस्चार्ज जो था ये काफ़ी मोटा था, देखने मिला है मुझे 1-2 दिन पहले, बीमार होने की वजह से ये काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। काफ़ी सुधार है और काफ़ी बढ़िया दूध पे भी धीरे धीरे कवर कर रही है। अब हम बात करेंगे इस अंटी गाय का जिसका नाम हम लोग अंटी रखे थे, जिसके हमारे पास 2 बच्चियाँ पड़े हुए हैं, उस साइड बंधा है वहाँ पे एकदम आगे। तो ये गाय बीमार थी, बैठी ही रह गई अभी तक। आज लेकिन मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है उठने का लेकिन उठ नहीं पाई, उठ के वापस आधा उठ गई थी, आधा उठ के फिर से गिर गई। तो खुदा चाहेंगे ज़रूर ये उठ जाएगी, मेरा लॉस जो होगा वो लॉस से भी बचूंगा और एक बदनामी से भी बचूंगा, क्योंकि लोग मजाक उड़ाने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है, लोग यही कहेंगे कि भाई आपकी भी गाय मर गई। अब हम बात करेंगे वो छोटी वाली जो गाय सामने देख रहे हैं, लगभग 3.5 से 4 महीना हो चुका है मतलब उसको बच्चा देकर, लेकिन आज उसको भी वो भी हल्क हीट में आई और उसको भी सीमेन हम लोग 40x116 लगा दिए। अब हम बात करेंगे नई गाय का। तो नई गाय काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 20 दिन कंप्लीट नहीं होने के कारण हम लोग इसका वीडियो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगले 5 से 8 दिन में ये वीडियो जैसा दिखाने लायक होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि कितने में लाया और कहाँ से मिला और कितना दूध कर रही है पूरा बताने की। तो फार्म का हालात यही है, फार्म पे सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आगे आप रूम देख पा रहे हैं, जो वहाँ पे आप रूम देख पा रहे हैं एक करकट का रूम बनवा रहा हूँ, जिसका रूम की लंबाई चौड़ाई है 20 चौड़ा और 15 फीट इस तरह से और 20 फीट सीढ़ी इस साइड से, तो चौड़ाई इसका 20 फीट है और लंबाई इसका 15 फीट है। तो ये रूम बनाना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि हमारा दाना वहाँ पे रहता है और पानी के झटास से भीगा होने का डर होता है, मक्खी लगता है, प्लस में बकरी भी परेशान करते रहती है। अब हम बात करें हरा चारे का, तो एक खेत से हरा चारा ख़त्म हो गया है जो मैं कम्प्लीटली दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये है खेत, आप देख पा रहे हैं एक खेत आगे वाला जो देख रहे हैं ये हरा चारा वाला, ये भी लगभग आधा होने वाला है और पूरा एक खेत ख़त्म हो चुका और दूसरा थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हरा निकल रहा है उसमें से भी। तो अब देखते हैं क्योंकि अब धान का भी सीजन आ चुका है, बीहन हम लोग बोलते हैं जिसको, वो बीज तैयार हो रहा है धान का, फिर सभी खेत को जोता जाएगा और बोया जाएगा, तो मुश्किल है दूसरा कटिंग मैं काट पाऊँ यूज़ में ले पाऊँ। ये थी और हरा चारा, ये थी जानकारी हमारे फार्म की और हरा चारा भी दिखा देना चाहूँगा मैं। पर डे लगभग
एक कुंटल 100 kg प्लस पर डे खर्च हो रहा है, और जब से हरा चारा हम लोग खिला रहे हैं तब उस टाइम से साइलेज काफ़ी कम खा रही है सभी गाय, तो ये चीज़ दिक्कत है। और मक्खी का मौसम है, मक्खी देखकर घबराए ना, मक्खी का मौसम है, हर फार्म पे आपको मक्खी देखने इस समय मिलेगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी हमारे फार्म के बारे में। मैं कोशिश करूँगा कि फिर से आपको कुछ ही दिनों में कुछ नया का ताज़ा का फार्म का अपडेट दूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।